Welcome to the Sri Shyam Group of Education. In previous classes, we had studied about plane polarized light and also studied about dextrorotatory and levorotatory. Today we will talk about polarimeter and specific rotation. Polarimeter and specific rotation. The measurement of rotation angles, the angle of rotation by these apparatus is called polarimeters. We know that the monochromatic light is passed through a Nicol prism. The monochromatic light converted into plane polarized light. We know that between the difference of monochromatic light and plane polarized light, we know that the monochromatic light is vibrational of all directions, and we know that the plane polarized light is direction of only one side. Vibrational direction of only one side is called plane polarized light. The plane polarized light pass through by a observation tube. What is the observation tube? We know that यहाँ पे एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में अपने प्लेन पोलराइज को पास करते हैं. उस ट्यूब में क्या भरते हैं, अपने फील करते हैं सॉल्यूशन. जिस सॉल्यूशन में अपने को प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको पास करवाना है, और जैसे ही पास करवाते हैं तो फिर अपने को पता है जो सॉल्यूशन होता है या कंपाउंड होता है वो लाइट को या तो लेफ्ट साइड रोटेट करता है या राइट साइड. और अकॉर्डिंग टू राइट साइड वी कैन से, जो अपनों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, राइट साइड के लिए अपने यूज करते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेफ्ट साइड के लिए अपने यूज करते हैं लिवोरोटेटरी. आगे क्या बात समझ में. अब अपने नेक्स्ट क्या है, पोलेरीमीटर हो गई. दीज एपरेटस मेजर बाई ए एंगल ऑफ रोटेशंस. अब अपने नेक्स्ट देखो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे एंगल ऑफ रोटेशन. What is the angle of rotation? जिस एंगल पे ये रोटेशन होता है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, किसका रोटेशन होता है, लाइट का. आगे बात समझ में, किससे, ऑब्जर्वेशन ट्यूब से. सॉल्यूशन क्या करता है, रोटेट करता है लाइट को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में. तो जिस एंगल पे ये रोटेशन होता है उसको अपने बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन. आगे बात समझ में, मगर एंगल ऑफ रोटेशन depends on a following factor. ये जो रोटेशन एंगल है या एंगल ऑफ रोटेशन है, कुछ फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है. देखो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं. एक तो यहां पे जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ. आगे क्या, वो फैक्टर पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ रोटेशन. तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, लाइट ऑफ वेवलेंथ. नेक्स्ट, और किस पे डिपेंड करता है, और किस पे करेगा, ये यहां पे जो अपनों ने सॉल्यूशन लिया है उस पे, तो सॉल्यूशन के टेम्परेचर पे, और दूसरा किस पे आ जाएगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे. तो दो नंबर तो क्या लिख देंगे अपने, सॉल्यूशन टेम्परेचर और तीन नंबर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन. सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन. दूसरा क्या आ जाएगा, ये जो ट्यूब ली है उसकी लेंथ पे. तो क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर, लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्यूब. Thank you.
फिफ्थ नंबर क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कौन से नेचर का सॉल्वेंट लिया है। तो फाइव नंबर आ जाएगा अपने नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो फैक्टर है इन पे डिपेंड होता है एंगल ऑफ रोटेशन, इसलिए अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में एंगल ऑफ रोटेशन को डिफाइन नहीं करते हैं। इसके लिए अपने एक नया टॉपिक पढ़ते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन स्पेसिफिक हो जाएगा इन फैक्टर के लिए। कैसे, उनमें वेवलेंथ, टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन फिक्स करनी पड़ेगी उनमें, ऑब्जर्वेशन ट्यूब की लेंथ वो फिक्स करनी पड़ेगी। तो उसमें फिक्स वैल्यू अपने गेट करेंगे किसकी, रोटेशनल एंगल की। इसलिए अपने रोटेशनल एंगल के जो ये फॉलोविंग फैक्टर है, इस रीजन से अपने एंगल ऑफ रोटेशन को किस टॉपिक से पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन से। तो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। समझ में आ गया, मैं फिर से बताता हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट, निकोल प्रिज्म, प्लेन पोलराइज लाइट, ऑब्जर्वेशन ट्यूब में अपने फील करवाते हैं। ऑब्जर्वेशन ट्यूब में जैसे फील कराते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, वाइब्रेशन ऑन राइट साइड इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड लिवो रोटेटरी। एक चीज और बताता हूँ, इसका एंगल अपने निकालते कैसे है। देखो, ऑब्जर्वेशन ट्यूब में जैसे पास होता है तो यहाँ पे एक एनालाइजर होता है। ये एनालाइजर क्या होता है, जिधर की तरफ सोर्स ऑफ लाइट होता है ना, उधर की तरफ टर्न हो जाता है। मान लो जैसे ही एंगल हुआ, अब सोर्स ऑफ लाइट मान लो किधर की तरफ हो गया, मान लो अपने राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, इधर की साइड हो गया राइट साइड, तो ये जो एनालाइजर है ये भी इधर हो जाएगा। जिससे अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका रोटेशनल ऑफ एंगल अपने गेट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट आ जाएगा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेसिफिक ऑफ रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, इसको स्पेसिफिक रोटेशन एंगल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनकी बात। देखो भैया, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो फैक्टर डिपेंड करते हैं रोटेशनल एंगल पे, इससे डिफाइन करते हैं अपने रोटेशनल एंगल को। स्पेसिफिक हो गया। वो होता क्या है, द पावर ऑफ पोले, द पावर ऑफ पोलेराइजर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। कैसे, देखो भी यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वेशन, ये अपने पास ट्यूब है, मान लो इसकी लेंथ क्या है, मैंने कहा एल है, और किस में अपने फिक्स कर रखा है, मान लो डेसीमीटर में। आगे बात समझ में, 1 decimeter इक्वल टू 10 centimeter। अब आगे देखो, और इसमें जो सॉल्यूशन फील किया है उसकी कंसंट्रेशन अपने मान लेते हैं ग्राम पर एमएल। आगे किस में कर लेते हैं अपने, ग्राम पर एमएल में। तो यहाँ पे क्या है, जब भी अपने प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराएंगे तो फिक्स कर रखा है, मान लो इसको मैंने 1 decimeter कर दिया, इसको 1 gram पर एमएल में, टेम्परेचर कर लिया मान लें 1 degree centigrade में। आगे क्या बात, 1 degree centigrade में। तो यहाँ पे जो अपने को रोटेशनल एंगल गेट होगा वो कौन सा होगा, स्पेसिफिक रोटेशन। आपकी बुक में इसके डिफिनेशन नहीं है, ठीक है, फिर भी आप कहो तो पावर ऑफ पोलराइजर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशंस। और वैसे डिफाइन करना चाहो, इफ दी प्लेन पोलराइज लाइट पास इन द, ठीक है, ऑब्जर्वेशन 1 decimeter ऑब्जर्वेशन ट्यूब एंड 1 gram ml ऑफ सॉल्यूशन। आगे क्या बात समझ में, दिस सॉल्यूशन रोटेटेड द प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट एंड राइट साइड, द रोटेशन एंगल इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशंस। अब आपकी इसमें फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में पूछते हैं वो देखो। फॉर्मूला क्या होता है, द स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू द ऑब्जर्वेशन एंगल
अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्यूब multiply with the concentration of solution. It's called specific rotation. अब इनको define कैसे करते हैं देखो, specific rotation को आपने कौन से symbol से define करते हैं देखो, alpha in the bracket special for t and special for lambda. स्पेशल फैक्टर है इसलिए इसको यहाँ पे लिख रहे हैं. स्पेशल फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो टी है और लेमडा. आगे बात समझ में. अब ऑब्जर्वेशन एंगल को अपने किससे डिफाइन करते हैं, ओनली अल्फा. आप यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हो. आगे नेक्स्ट अपने आ जाएगा लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्यूब अपने किससे डिफाइन करते हैं, और कंसेंट्रेशन को किससे डिफाइन करते हैं, सी. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास स्पेसिफिक रोटेशन का, इधर लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो देख लो ऊपर. ऑब्जर्वेशन एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन एल इंटू सी. आगे क्या बात समझ में, स्पेसिफिक रोटेशन को किस कौन से सिंबल से अपने डिफाइन करते हैं, अल्फा इन दी ब्रेकेट स्पेशल फॉर टी एंड स्पेशल फॉर लेमडा. आगे बात समझ में, इक्वल टू द अल्फा अपॉन दी क्या हो जाएगा, एल इंटू सी, लेंथ मल्टीप्लाई विद कंसेंट्रेशंस. तो आ गया बात समझ में, ये अपना कंप्लीट हो गया. अब अपने थोड़ा रिपीट करा देते हैं. यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले पोलेरीमीटर क्या होता है, जिसमें अपने मेजर करते हैं, क्या करते हैं, रोटेशनल ऑफ एंगल. ठीक है, उस अपने एपरेटस को क्या बोलते हैं, अपने पोलेरीमीटर. पोलेरीमीटर में ये सारे आ जाएंगे अपने, निकोल प्रिज्म, इसको पोलेराइजर भी बोलते हैं. यहाँ पे निकोल प्रिज्म को ध्यान रखना, कुछ बुक में पोलेराइजर बोला गया इसको, इसको पोले, यू कैन राइट पोलेराइजर. ठीक है, और इसको PPL भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, PPL. ठीक है, या पी ये ऑब्जर्वेशन ट्यूब हो गई. ऑब्जर्वेशन ट्यूब में क्या होता है, सॉल्यूशन और इसकी लेंथ, ये क्या करती है, रोटेशनल ऑफ एंगल का फैक्टर इफेक्ट है. आगे ये क्या है, ये अगर चेंज होगी तो रोटेशनल एंगल की जो वैल्यू है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इन दोनों को अपनों ने फिक्स कर दिया. फिक्स वैल्यू से अपने को फिक्स वैल्यू गेट होगी, इसलिए अपने कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रोटेशंस. यहाँ पे क्या होगा, अगर रोटेशनल एंगल राइट साइड हो तो अपने क्या बोलते हैं, राइट साइड रोटेशन, या अपने क्या बोलते हैं उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. और कंपाउंड को क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड. आगे अपने क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड रोटेशन हो उसको अपने क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी कंपाउंड. एनी प्रॉब्लम, आगे बात समझ में. ये अपना कंप्लीट हो गया, एक तो अपने पोलेरीमीटर, दूसरा अपने क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन. अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे सिमेट्री के बारे में. ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम.